ओम शांति. सभी हैप्पी सोल्स बैठे? हैप्पी सोल्स. अच्छा, जिस स्पीड पर इस टाइम मन चल रहा है, ये हैप्पीनेस है. क्योंकि हमें ये भी नहीं पता एक्चुअली कि हैप्पीनेस, खुशी होती क्या है. क्योंकि आज दिन तक हमने बचपन से सीखा कि खुशी मतलब क्या. जिस दिन हम फर्स्ट आए उस दिन खुशी, जिस दिन कोई नई चीज़ खरीदी उस दिन खुशी, जिस दिन पिकनिक पे गए उस दिन खुशी, जिस दिन कोई फंक्शन हुआ उस दिन खुशी. तो खुशी क्या हुई? इवेंट बेस्ड हो गई. जिस दिन मार्क्स कम आए उस दिन खुशी का है. तो हमारी खुशी इवेंट बेस्ड कि कुछ होगा तब, या अचीवमेंट बेस्ड कि कुछ हम अचीव करेंगे, या चीज़ों पर बेस्ड कि कोई चीज़ें मिलेंगी तो. और आज का टॉपिक है हैप्पीनेस अनलिमिटेड, मतलब बेहद खुशी जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जो हमेशा होगी, निरंतर होगी और किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगी. राइट? हमेशा होगी और किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होगी. तो एक मिनट साइलेंस में बैठते हैं और अपने जीवन को देखें. एक मिनट के लिए यहां से वापस उस जगह जाना है जहां से आए हैं. अपनी डे टू डे लाइफ को देखें, नॉर्मल रूटीन सारा दिन में, उसको विजुअलाइज करें. देखें सुबह से शाम तक, सीन आफ्टर सीन. मेरे जीवन में वर्तमान समय जो जो चल रहा है, चेक करें. सारा दिन में छोटी बड़ी कौन सी बातें आती हैं जिससे मन हलचल में आ जाता है, फास्ट चलना शुरू हो जाता है. अपनी जीवन को चेक करना है सिर्फ. कोई छोटी बातें हो सकती है, कभी कभी जीवन में कोई बड़ी बात हो सकती है. देखें अपने आप को, कब मूड खराब होता है, कब गुस्सा भी आ जाता है, कब हर्ट हो जाते हैं, भय लगता है आने वाले समय का. कौन सी सीन और कौन से लोगों की बातों से मेरी खुशी गायब हो जाती है. ओम शांति. अब आप बताएंगे किन बातों से खुशी गायब होती है, या कहें कौन सी ऐसी सीन आती है जिसमें माइंड डिस्टर्ब होता है. कब कब सारा दिन में मन डिस्टर्ब होता है, कौन सी बातें आती हैं? मतलब अभी जैसे हम बैठे हैं तो माइंड स्टेबल है, राइट? ऐसे चल रहा है, बिल्कुल काम, रिलैक्स्ड, पीसफुल. कोई स्टिम्युलस आता है, कोई बात आती है, जैसे कभी कभी जब हम प्रोग्राम्स में ऐसे बैठे होते हैं, सब ऐसे साइलेंस में बैठे होते हैं, सडनली किसी का मोबाइल बज जाता है उधर से. मोबाइल एक का बजता है, मन मेजॉरिटी के बजने शुरू हो जाते हैं. छे 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 ऐसे चलता है. तो मन में सडनली उस टाइम क्या चलना शुरू हो जाता है? क्यों बजा मालूम नहीं है कि प्रोग्राम में साइलेंट पे रखना चाहिए. अनाउंस भी किया था बहन ने स्टार्टिंग में, फिर भी साइलेंस पे नहीं रखा. इतनी भी समझ नहीं है. जब से ये मोबाइल आया है ना, लोगों को पता ही नहीं चलता, साइलेंट पे नहीं रखा, लंबा चलता है. फोन कब से बंद हो गया? और उतनी देर में सिर्फ मन नहीं चलता, मुड़ते हैं
उस व्यक्ति की तरफ देखते हैं, करते हैं या नहीं करते? एंड वंडरफुल बात, जिसका वो फोन होता है ना, अगर वो कोई बहन होती है, उसको पर्स में फोन ही नहीं मिलता. क्यों क्यों होता है? उसको सबसे इतनी हैवी एनर्जी आ रही होती है उतनी देर में, कि वो एकदम क्या हो जाती है, उसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है. फिर बड़ी देर के बाद जब फोन मिलता है, तो उसको ये नहीं पता चलता उसको साइलेंस पे कैसे करना है. ये है फियर और नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट. तो उतनी देर में सब उसकी तरफ घूरते जाते हैं. मतलब माइंड स्टेबल था, पीसफुल था, काम था, रिलैक्स्ड था, परिस्थिति आई और मन एकदम से क्या होने लगा, हलचल में आने लगा, राइट? अब ये जो बहनें शिफ्ट होंगी आगे से, उन्हें देखकर हमें अपना मन डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, नहीं है. एक बहुत बड़ा ये अभ्यास है, जो अगर करके देखें तो बहुत एनर्जी बचती है. जहां मन को जाने की जरूरत नहीं, वहां उसको जाने देना नहीं. अगर जाता भी है तो उसको जल्दी से क्या करना है, जल्दी से क्या करना है? सपोज मन उस तरफ जाए, ये क्यों उठ रहे हैं, पहले क्यों नहीं ठीक से बैठे, क्या हो रहा है यहाँ पे, टाइम और एनर्जी गई. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मन को आदत पड़ी कि हर जगह, जैसे एक बच्चा होता है ना, एक जगह नहीं बैठता, हर थोड़ी देर के बाद, उसको चंचल बच्चा कहते हैं. ऐसे ही हमारा मन भी आजकल क्या हो गया, इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ, जाने की जरूरत नहीं है इसकी. तो ये अभ्यास है, कुछ हो रहा है, दिख रहा है, माइंड को उस पे जाने की जरूरत नहीं. हाँ, हमें कुछ करना है उसमें तो मन को जाने देना, नहीं तो मन को वहां जाने की जरूरत नहीं. बार बार जो चीज हिलती जाएगी तो उसकी एकाग्रता शक्ति क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन पावर क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी. तो हमारा माइंड स्टेबल है, सारा दिन में छोटी बड़ी कौन सी ऐसी बातें आती हैं, या कब ऐसा होता है कि जे हमें गुस्सा आ जाता, कब होता है सारा दिन में? आज सुबह हाथ उठाया ना, कि हम में से मेजोरिटी को आता है, फिर से हाथ उठाना, किस किस को आता है कभी कभी, किस किस को रोज एक बार आ ही जाता है, और किसको दिन में एक बार से ज्यादा आ जाता है? ये थोड़ा क्रॉनिक केस चलेगा फिर. इसका मतलब हम रोज थोड़ी देर के लिए बीमार पड़ते हैं. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें कई बार हम दिन में कई बार बीमार पड़ते हैं. अगर हम दिन में कई बार बीमार पड़ते रहे और उसको ठीक नहीं किया, तो एक दिन ऐसा आएगा जब बीमारी ही हमारी नेचुरल स्थिति हो जाएगी, हमने वहां तक पहुंचना नहीं. तो अब बताइए, कब ऐसा होता है जब गुस्सा आता है, कब और क्यों? एनीबडी, कब गुस्सा आता है? हाँ जी, हाँ, मॉर्निंग, हाँ, हाँ, तो समय की कमी, और बहुत लोग हमारा कार्य कराना चाहे, हाँ, और कब? सारा दिन में चेक करो, कब गुस्सा आता है, किस सीन में, किस व्यक्ति के व्यवहार से कब गुस्सा आता है? परफेक्ट, ये चेक कीजिए, किस किस को ये बात एप्लीकेबल है. जब कोई हमारे एक्सपेक्टेशंस के अनुसार कार्य नहीं करता है, किसी को आता है इस बात पे गुस्सा? हाँ, जब कोई सीन, मतलब परिस्थिति, जैसा हमने सोचा था वैसी होगी, वैसे नहीं होती है. जब कोई लोग वैसा व्यवहार करते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, तब गुस्सा आता है. एनी अदर रीजन? इसको लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट. एनी अदर रीजन कब गुस्सा आता है? यस, हाँ जी, थोड़ा सा जोर से बोल दो. हाँ, डिसएग्रीड विद द ओपिनियन ऑफ द डिफरेंट, मतलब मेरी और आपकी ओपिनियन
मैच नहीं करते। अगर आपकी और मेरी ओपिनियन मैच करे, आपका और मेरा काम करने का तरीका सेम हो, जैसे मैं कहूँ वैसे आप चलें, तो मुझे गुस्सा करने का शौक थोड़ी है ना। हम क्या कहते हैं, मुझे कोई शौक थोड़ी है गुस्सा करने का। गुस्सा मुझे कब आता है, जब एनी अदर रीजन। गुस्सा कब आता है, जब बातें, हाँ वही फंडामेंटल हो गया ना, जब कोई बात जो मुझे चाहिए वैसी वाली नहीं होती है। परफेक्ट, ये एक रीजन। चिंता कौन सी बात पे होती है, टेंशन, वरी, एंजाइटी कब होती है, जब कोई हमारी बात को, अच्छा अगर कोई हमारी बात को बताने के बाद फॉलो नहीं करता है, ओके, और कोई और रीजन, अच्छा जब हमने कोई अच्छा काम किया और कोई अप्रिशिएट नहीं करता, रिवॉर्ड नहीं देता, एनीथिंग एल्स, एनी अदर रीजन, कोई और बात पे चिंता। हाँ जी पीछे, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा आपको वहां से, एक मिनट। हाँ वो किसने बोला, एग्जाम का स्ट्रेस, एग्जाम का भी स्ट्रेस होता है, बच्चों को पता ही नहीं स्ट्रेस क्या होता है, उनको सिखाता कौन है, किसी बच्चे को नहीं पता कि टेंशन क्या होती है। हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं, तुमको टेंशन नहीं, कल एग्जाम है, एंड खुद हम टेंशन क्रिएट करके वो वाइब्रेशन उनको रेडिएट करके उनको टेंशन क्या होती है वो करना सिखाते हैं। अच्छा अब जब सिचुएशन और व्यक्ति मेरे अनुसार नहीं होता है या जैसा हम चाहें वैसा नहीं होता है तो मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है, फंडामेंटल। अब इसकी प्रोग्रामिंग को चेक करते हैं, क्योंकि हमें इसकी प्रोग्रामिंग को चेक करना पड़ेगा कि ये राइट है। हाँ जी, ना उम्मीद, होपलेस हो जाते हैं, उम्मीद नहीं रह जाती। प्रोग्रामिंग को चेक करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी प्रोग्रामिंग है। सबसे पहली चीज़, गुस्सा करना नेचुरल है, राइट या रॉन्ग? गुस्सा करना नेचुरल है, राइट या रॉन्ग? अच्छा, गुस्सा करना नॉर्मल है, राइट? अच्छा, गुस्सा करना जायज है, गुस्से के बिना काम नहीं होता, गुस्सा करना जरूरी है। Why it's very important? क्योंकि हम कितना भी डिस्कस करें, इम्पोर्टेंट है सबकॉन्शियस माइंड बिलीव क्या करता है। अगर हम कितना भी डिस्कस करें गुस्सा नहीं करना, कैसे हैंडल करना है, कैसे वर्क करना है, अगर डीप डाउन जो बिलीफ सिस्टम है, मान्यता है, वो ये है कि गुस्सा करना तो ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलता, या ये हम कहें कभी कभी तो करना ही पड़ता है, मतलब हमने अपने गुस्से को संभाल के रख लिया। जैसे आपने देखा होगा हर साल दिवाली पे सफाई होती है, अलमारियां खुलती हैं, कुछ एक सामान बाहर निकल के आते हैं जो पूरे साल में यूज नहीं हुए हैं, फेंक देने चाहिए लेकिन वापस रख देते हैं, कभी तो यूज होगा, फेंक सकते थे उसको, अपने घर से सफाई कर सकते थे, लेकिन सिर्फ एक थॉट कि कभी तो यूज होगी, हम कचरे को भी संभाल के रख लेते हैं। इसी तरह हम गुस्से को भी पकड़ के रखते हैं, कभी तो ये जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलता। ये बिलीफ सिस्टम हमारी इस संस्कार को फिनिश नहीं होने देता। आज सुबह हमने क्या देखा, क्या नेचुरल है? आज सुबह हमने क्या देखा, आत्मा का कौन सा संस्कार नेचुरल संस्कार है, उसका ओरिजिनल
ईज, एट ईज, अपने आप को चेक करना है. कंफर्टेबल कौन सा लग रहा है, काम होता है या नहीं वी डोंट नो, कंफर्टेबल कौन सा लग रहा है, ये एट ईज रहना कंफर्टेबल लग रहा है या वो जो हम होते रहते हैं ऐसे ऐसे वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, कौन सा कंफर्टेबल है, ये कंफर्टेबल लग रहा है. जो चीज़ कंफर्टेबल लग रही है विच मीन्स ये आत्मा की नेचुरल है, ये साइन है कि ये आत्मा का नेचुरल संस्कार है. कुछ एक बिलीफ सिस्टम को आज चेंज करते हैं, गुस्सा करना नेचुरल है, इस स्टेटमेंट को काउंटर करें, काउंटर करें, क्या नेचुरल है, क्या नेचुरल है. हम कहेंगे पीस मुझ आत्मा का नेचुरल संस्कार है. गुस्सा करना जरूरी है, प्यार और पेशेंस जरूरी है. गुस्सा करना ताकत है, गुस्सा करना ताकत है नहीं, क्राइसिस में स्थिर रहना ये ताकत है. गुस्सा तो कोई भी कर सकता है लेकिन स्थिर रहना ये ताकत है. प्रोग्रामिंग, जब लोग और सिचुएशंस मेरे अनुसार होंगे तो हम खुश होंगे. इज इट पॉसिबल कि लोग और सिचुएशंस हमारे अनुसार हों, इज इट पॉसिबल, थिंक अबाउट इट, इज इट पॉसिबल. कौन फील करता है कि ये हमेशा पॉसिबल नहीं है. अब आप प्रोग्रामिंग को चेक कर लीजिएगा. इट्स लाइक सेइंग ये जो माइक है ये एकदम स्ट्रेट है ऐसा, इज इट पॉसिबल कि ये बेंड होके गोल हो जाए, इज इट पॉसिबल कि ये बेंड होके गोल हो जाए, नॉट पॉसिबल. और मैंने मन में प्रोग्रामिंग क्या की कि जब ये माइक बेंड होके गोल होगा तब मैं खुश होंगे. ऐसे ही कर ली प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग करने में क्या चाहता है, अपनी चॉइस है. तो मैंने प्रोग्रामिंग कर ली कि जब ये माइक बेंड होके गोल हो जाएगा तब मैं खुश होंगी, जब ये सीधा होगा तब मैंने गुस्सा करना है. ये मैंने प्रोग्रामिंग कर दी. तो इसमें गलती माइक की या मेरी प्रोग्रामिंग की. जब हमें मालूम है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि लोग और सिचुएशंस मेरे अनुसार होंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल. फॉरगेट लोग, हमारे बच्चे भी हमारे अनुसार नहीं चलते, राइट माता जी, राइट, नहीं चलते ना. जिनके लिए हम कहते हैं मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मतलब क्या हो गई, वो मेरी प्रॉपर्टी, वो मेरा बच्चा भी मेरे अनुसार नहीं चलता. और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा दिन लोग मेरे अनुसार चलें. इफ इट इज इम्पॉसिबल, इफ इट इज इम्पॉसिबल, और हमने एक इम्पॉसिबल चीज को अपनी खुशी का आधार बना दिया, वो इतना ही इम्प्रैक्टिकल है जितना मैंने अभी अभी आधार बनाया कि जब ये माइक बेंड होगा देन आई विल बी हैप्पी. प्रोग्रामिंग को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, प्रोग्रामिंग को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, यस जरूरत पड़ेगी. अब आप मेरी प्रोग्रामिंग को चेंज करिए प्लीज, करिए मेरी प्रोग्रामिंग को चेंज. बताइए मुझे, मुझे मेरी थॉट को कैसे चेंज करना है, बताइए इस माइक को लेकर मुझे अपनी प्रोग्रामिंग को कैसे चेंज करना है. अगर ये बेंड हो जाए माइक देन आई विल बी हैप्पी, लेकिन अगर ये बेंड नहीं हो, अगर ये बेंड नहीं हो तो भी हैप्पी. अच्छा, तो अब प्रोग्रामिंग को चेक करते हैं. अगर लोग और सिचुएशन मेरे अनुसार हो देन आई विल बी हैप्पी, लेकिन अगर लोग और सिचुएशन मेरे अनुसार नहीं हो, अब आप आंसर करेंगे. अगर लोग और सिचुएशन हमारे अनुसार हो देन तो आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, देन आई एम हैप्पी. अगर लोग और सिचुएशन मेरे अनुसार नहीं हो देन
बताइए. देन आई विल बी वेरी हैप्पी. आपको पता है अगर लोग और सिचुएशन मुझे मेरे अनुसार चाहिए ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि हॉल में सारे भाई बहने टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच जाए. कुछ साल पहले तक जितनी बार कोई मेरे सामने से ऐसा लेट निकलता है, तो मेरे माइंड में 4 थॉट चलते हैं ऐसे. क्योंकि मेरा ये बिलीफ सिस्टम था कि जब लोग लेट आते हैं तो हॉल के सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं उनकी वजह से. तो बहुत साल मैंने अपने माइंड से लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की कि टाइम पे आ जाओ, क्योंकि अगर आप टाइम पे आते हो तो मुझे अच्छा लगता है. तो हम क्या करते हैं, लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. बहुत सारे प्रोग्राम्स करने के बाद रियलाइज हुआ ये तो होने वाला नहीं है. अब तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें हर प्रोग्राम में डिस्टर्ब होना है तो जीवन भर डिस्टर्ब होते रहना, क्योंकि सामने वाले ने तो चेंज नहीं होना. क्यों नहीं होना, उनके पास रीजन है वो क्यों लेट आते हैं, कोई भी रीजन हो. मेरे पास चॉइस है कि वो जब आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं, आकर जहां बैठ रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, मेरे पास 2 चॉइस है, देख देख के या फिर देख के. परिस्थिति सेम रहेगी, सामने वाले लोग सेम रहेंगे, वहां चॉइसेस नहीं है, यहां 2 चॉइसेस है. अभी तक हमें किसी ने सिखाया ही नहीं था कि यहां पे 2 चॉइसेस है. पहले मैं कहती थी लेट आएंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना, नेचुरल है. नेचुरल है कह दिया, मतलब कोई और चॉइस तो है ही नहीं. और अब समझ में आया चॉइस है. लोग और सिचुएशंस हमारे अनुसार चलने वाले नहीं. आप रिक्वेस्ट करो, ऑर्डर करो, इंस्ट्रक्शन दे दो, कुछ भी कर दो, लोग और सिचुएशंस हमारे अनुसार चलने वाले नहीं है. जितनी जल्दी जीवन में ये लाइन हम फिट कर लें, उस दिन से खुशी हमारे भाग्य में हम लिखते जाएंगे. फैक्ट है या नहीं है? फैक्ट, फैक्ट है. अच्छा, क्यों लोग हमारे अनुसार नहीं है? अब ये भी इंपॉर्टेंट है. क्यों लोग मेरे अनुसार नहीं चल सकते जब मैं उनको सही बात बता रही हूं, तो वो क्यों नहीं चल सकते हमारे अनुसार? क्यों नहीं चलते लोग हमारे अनुसार जी? कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में कमी है. अच्छा, और बताओ क्यों लोग हमारे अनुसार नहीं चलते? लोग क्यों वैसे नहीं होते जैसे हम चाहते हैं कि उनको होना चाहिए? क्यों नहीं होता? उनका पार्ट ही है सर. अच्छा, और वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव देयर ओन थिंकिंग. मतलब उनकी सोच मेरी सोच से अलग होगी. इज इट नेचुरल? अब डेफिनेशन चेक करते जाएंगे कि नेचुरल क्या है. इज इट नेचुरल के 2 आत्माओं की सोच अलग अलग होगी? अग्रीड. इज इट नेचुरल के 2 लोगों का नजरिया अलग अलग होगा? दोनों की थिंकिंग अलग है, राइट? सिंपल. हां जी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ओ, विच मीन्स हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और उनकी अंडरस्टैंडिंग लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग. देन इट्स अ सी, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल देखते हैं. अभी ये फ्रेश फ्लावर्स है, राइट? फ्रेश फ्लावर्स है. आप में से किस किस को फ्रेश फ्लावर्स अच्छे लगते हैं? अच्छा, ऑलमोस्ट एवरीबडी. आप सबको फ्रेश फ्लावर्स अच्छे लगते हैं. मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते. बेकार, बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते ये फ्लावर्स. दूर रखती हूं मैं इनको अपने से, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये. इज इट ओके? आई जस्ट नीड येस और नो.
इज इट ओके? थिंक थिंक थिंक. जो जो आपने आंसर अभी देना है, ये प्रोग्रामिंग हो रही है. कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग ध्यान से करनी पड़ती है. एक बार प्रोग्रामिंग हो गई, वो प्रोग्राम वैसे ही चलता जाएगा. ये फ्लावर्स जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते. इज इट ओके? Anybody feels not okay? Which is fine. Either way's answer is fine. Okay bhi answer fine hai, not okay bhi answer fine hai. So, इधर उधर नहीं देखना बाकी लोग किस चीज के लिए हाथ उठा रहे हैं अपना. दोनों आंसर राइट है. आपको जो चीज बहुत अच्छी लगती है वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. इज इट ओके? हाउ मेनी फील इट्स ओके? अच्छा अच्छा. हाउ मेनी फील इट्स नॉट ओके? तो बाकी क्या फील करते हैं? नॉट श्योर. 30% लोगों ने ओके में हाथ उठाया, 10 लोगों ने नॉट ओके में हाथ उठाया, और बाकी 70% क्या फील करते हैं? इज इट ओके? नॉट ओके? किसी के अंदर ऑनेस्टली बताना, किसी के अंदर ये थॉट आया, अजीब है फूल क्यों नहीं अच्छे लगते? आया किसी के अंदर ये थॉट? आपके अंदर आया? ऐसे कैसे हो सकता है जो फूल सबको अच्छे लगते हैं इनको अच्छे नहीं लगते? ऐसा भी कोई होता है जिसको फूल अच्छे नहीं लगते? आया किसी के माइंड में ऐसा थॉट या नहीं आया? क्यों ऐसा होता है? अब इसके पीछे की प्रोग्रामिंग चेक करते हैं. जो चीज हमारे लिए बहुत नेचुरल होती है, अगर हमें वही चीज दूसरे के अंदर नहीं दिखाई देती तो हमें समझ में नहीं आता कि ये वो कैसे सोच सकते हैं. क्योंकि हमें इस समय लग रहा है कि फूल अच्छे लगना इज अ नेचुरल थिंग. क्यों हमें लग रहा है इट्स अ नेचुरल थिंग? क्योंकि वो हमारे लिए नेचुरल है. और हमें क्या लगा? जो हमारे लिए नेचुरल है, क्या छोटी सी गड़बड़ हमने की? हमें लगा जो हमारे लिए नेचुरल है वो सभी के लिए नेचुरल होगा. जो हमारे के लिए सही है वो सभी के लिए सही होगा. जब किसी का सही हमारे से अलग था, हमने कहा अजीब है. सिंपल एग्जाम्पल, पंजाब में जब हम जाते हैं तो कड़ी बनती है. वो कड़ी बड़ी तीखी होती है, मसाले वाली होती है. फिर आप गुजरात चले जाओ, फिर कड़ी कैसे बनती है वहां पे? बड़ी मीठी होती है. जब मैं गुजरात से फिर पंजाब गई, मैंने मीठी कड़ी बना दी. तो मैं बोलती, मीठी कड़ी अजीब है, मीठी कड़ी कौन खाता है? मैंने कहा एक पूरी स्टेट है जो मीठी कड़ी खाती है. लेकिन जिसने कभी वो मीठी कड़ी नहीं खाई होती, सिर्फ तीखी खाई होती है, उसके लिए मीठी कड़ी एक बहुत अजीब कॉन्सेप्ट है. और जिसने जीवन भर मीठी कड़ी खाई होती है, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मीठी कड़ी के अलावा भी कोई कड़ी हो सकती है. तो वो कहते हैं तीखी कड़ी, अजीब लोग हैं तीखी कड़ी खाते हैं. ये करने से हमने एक दूसरे को कौन सी वाइब्रेशन देनी शुरू कर दी? हमने एक दूसरे को कौन सी वाइब्रेशन देनी शुरू कर दी? आप बड़े अजीब हो. और फिर हमने धीरे धीरे से अजीब नहीं कहा, हमने कहा आप गलत हो. फूल अच्छे लगना ही सही है, और जिसको भी फूल अच्छे नहीं लगते वो क्या है? वो गलत है. सारा दिन में चेक करना कितने लोगों के लिए गलत कहा है. ये गलत है. कहा है कभी किसी के लिए? कहा है कभी किसी के लिए कि ये जो कर रहे हैं वो गलत है, इनका काम करने का तरीका गलत है? कहा कभी किसी के लिए? कहा कभी किसी के लिए? और जब कोई गलत मिला तब हमें गलत पे गुस्सा आया. अभी अभी आपने कहा कि अगर मुझे फूल अच्छे नहीं लगते तो भी इट्स ओके. एवरीवन अग्रीज के इट्स ओके?
Why is it okay? Why is it okay? अपनी अपनी थिंकिंग है, मतलब आपके लिए फूल अच्छे लगना नेचुरल, मेरे लिए नॉट, ठीक है, दोनों में से सही कौन है? सोच के प्रोग्रामिंग करना, सोच के प्रोग्रामिंग करना, वापस अपने शहर जाने के बाद वो ही प्रोग्रामिंग रखनी है, दोनों सही है, थोड़ा ज्यादा सही, थोड़ा ज्यादा सही कौन है? कौन कौन फील करता है कि दोनों सही है? अब तो आपको अपने लिए पक्का ताली बजानी पड़ेगी। अब एक काम करना है, वापस जाने के बाद अपनी ऑफिस की टेबल पे और अपने बेडरूम की दीवार पे एक छोटा सा कार्ड बना के जरूर लिख के रखना है, हमेशा 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 और हमेशा दोनों सही होते हैं, हमेशा होते हैं। हमें ये कॉन्सेप्ट किसी ने सिखाया ही नहीं था कि दोनों सही होते हैं, हमें क्या सिखाया था बचपन से, एक सही होता है दूसरा गलत होता है। जब दोनों सही है का मीनिंग क्या है कि दो आत्माओं के संस्कार अलग अलग हैं, जब दो आत्माओं के संस्कार अलग अलग होंगे, दोनों का नजरिया अलग अलग होगा, दोनों की सोच अलग अलग होगी, दोनों का उस परिस्थिति को फेस करने का तरीका भी अलग अलग होगा, वो हमारे से अलग हैं, हमने कह दिया वो गलत हैं। अलग और गलत में फर्क, अलग और गलत में फर्क, अगर मैं कहूं आप मेरे से अलग हैं तो कौन सी वाइब्रेशन जाएगी, और अगर मैं कहूं आप गलत हैं तो कौन सी वाइब्रेशन जाएगी? आप सुबह कितने बजे उठते हैं नॉर्मली अपने घर पे? 5-6 बजे, 6 बजे कोई उठने का टाइम है? 6 बजे भी कोई उठता है? ऐसे बोलते हैं हम, बोलते हैं ना हम ऐसे, 6 बजे उठते हैं, हाँ ब्रह्म मुहूर्त कभी उठे ही नहीं, सोए रह गए ऐसे टाइम पे, अजीब गलत है, तो कोई करता है ऐसे? जैसे ही मैंने ये थॉट क्रिएट की, क्योंकि मेरे लिए 6 बजे गलत है, और अगर मैंने ये थॉट क्रिएट की कि अजीब 6 बजे उठते हैं, मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट की वाइब्रेशन भेज दी। जैसे ही मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट की वाइब्रेशन भेजी, वहां से कौन सी वाइब्रेशन आने वाली है? नींद आती नहीं रात को 3 बजे उठ के बैठ जाते, करते हैं ना कुछ है? तो सडनली दो आत्माएं एक दूसरे को कौन सी वाइब्रेशन भेजना शुरू कर देती है? डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, रिजेक्शन, रिजेक्शन। अब इसको चेंज करते हैं, आप 6 बजे उठते हैं, आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपकी रूटीन के हिसाब से, सारा दिन आप इतना काम करने वाले हैं, रात को देर से आने वाले हैं, आपके लिए 6 बजे उठना बहुत नॉर्मल और सही है, तो रिस्पेक्ट आपके संस्कार के लिए। तो वहां से आप भेजेंगे, हाँ आपको मेडिटेशन करनी होती है ना, तो इसीलिए आपके लिए 4 बजे उठना सही है। दोनों ने जब एक दूसरे को रिस्पेक्ट की वाइब्रेशन भेजी, तो हम एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं। फिर मैं आपको धीरे से कहूंगी, कल एक बार 4 बजे उठ के देखो, राइट? एक बार जब रिस्पेक्ट भेजी, नेचुरल आत्मा नजदीक आई, फिर राय दी, तो उस राय का दूसरे को टच करने का चांस ज्यादा है। लेकिन एक बार रिजेक्ट कर दिया, डिसरिस्पेक्ट कर दिया, सामने वाले ने भी हमें डिसरिस्पेक्ट कर दिया, फिर उनको कहा ऐसे करो, तो वो करने का चांस बहुत कम है। सारा दिन में चेक करना, किसको हम सबसे ज्यादा कहते हैं कि तुम गलत हो? किसको कहते हैं सारा दिन में सबसे ज्यादा कि तुम गलत हो? हाँ जी, अच्छा हस्बैंड और वाइफ, अच्छा और किसको कहते हैं सारा दिन गलत हो? बच्चों को, है ना? इंटेंशन बहुत अच्छी है,
इंटेंशन बहुत अच्छी होती है कि जो मुझे सही लगता है वो ही सही है, तो दूसरे वाले को भी सही करना चाहिए क्योंकि वो मेरे बहुत क्लोज के फैमिली मेम्बर हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो मेरे लिए सही है, मतलब जो मेरे लिए कंफर्टेबल है, वो इसलिए है क्योंकि मेरे पास वो संस्कार है, दूसरे के पास वो संस्कार नहीं है। सारा दिन में बच्चों को कितनी बार, तुम जितने बजे उठते हो गलत, तुम जितने बजे सोते हो गलत, तुम जो खाना खाते हो गलत, तुम फेसबुक पे व्हाट्सएप पे सारा दिन बैठे हो गलत, गाड़ी जिस स्पीड पे चलाते हो गलत, कपड़े जो पहनते हो गलत, दोस्त तो तुम्हारे गलत ही गलत। अब इतनी बार गलत 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 वाली वाइब्रेशन भेजेंगे तो क्या लगता है वापस क्या आने वाला है, वापस क्या आने वाला है वहां से, तुम गलत। एक बार ये आ गया ना एनर्जी बीच में, तो पेरेंट्स की मोस्ट वैल्यूएबल एडवाइस भी बच्चों पर असर करना बंद कर देती है, प्रभाव डालना बंद कर देती है, पावर टू इन्फ्लुएंस द अदर पर्सन ये खत्म हो जाता है, क्योंकि हमने उनको रिजेक्ट किया तो उन्होंने हमें रिजेक्ट किया, और फिर हम कहते हैं जेनरेशन गैप नॉर्मल। ये जेनरेशन गैप नहीं है, ये रिस्पेक्ट का गैप क्रिएट हो गया है, जो हर जेनरेशन ने नेक्स्ट जेनरेशन के साथ कर लिया, सिर्फ क्योंकि हमारी डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग एक दूसरे से डिफरेंट थी। पेरेंट्स हमेशा हमेशा सही होते हैं, कोई डाउट नहीं, पेरेंट कभी अपने बच्चे के लिए गलत सोच ही नहीं सकता है, और बच्चे पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं और बच्चे, बोल लो हिम्मत करके थोड़ी थोड़ी, बच्चे भी अपने नजरिए से बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन बार बार उनको रिजेक्ट करेंगे। देखो होता कैसे है, जब पेरेंट्स से रिजेक्शन मिलता, रिजेक्शन मतलब उनके संस्कार को एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा रॉन्ग बोला, तो वो हमारे से धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं। छोटा बच्चा होता है, घर आकर अपनी हर बात शेयर करता है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, हर बात गोल गोल घूम के आज ये हुआ आज ये हुआ आज ये हुआ। थोड़ा सा जब वो इतना हो जाता है, हम उसके गोल गोल घूमते, आज क्या हुआ, आज किधर गए थे, आज किससे मिले थे, पहले बिना पूछे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी, और ये एज में आने के बाद पूछने के बाद भी नहीं मिलती है, और कभी कभी तो झूठ भी बोल देते हैं, राइट? क्यों हुआ ये, सेम पेरेंट सेम चाइल्ड सेम ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, सब कुछ शेयर करते थे, छुपाना शुरू कर दिया, और ज्यादा पूछने के बाद कई बार झूठ भी बोलना शुरू कर दिया, क्या रीजन हुआ होगा? क्योंकि ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पेरेंट चाइल्ड में समझ में आ गया, ये किसी भी रिलेशनशिप में फिट हो सकती है। क्यों हुआ होगा ये, जब वो छोटे थे तो उनकी बातें बहुत प्यारी प्यारी सिंपल सिंपल छोटी छोटी होती थी, तो उनकी बातों को सुन के हम मुस्कुराते थे, मतलब हम उनको एक्सेप्ट करते थे। एक दिन जब वो इतने हुए तो वो घर आए, उन्होंने कहा आपको पता है आज हमने क्या किया, स्कूल बंक करके हम पिक्चर देखने गए। उन्होंने तो नॉर्मल तरह से आके अपनी बात बता दी, उस दिन क्या मिला रिटर्न में, उनको पता ही नहीं चला कि हमने गलत क्या बोला, क्योंकि उनको तो जो सही लगा था उन्होंने आके शेयर किया था। थोड़े दिन के बाद ऐसे ही कोई और बात बोलती, एक दिन तो आके बोला मम्मी आज पता क्या हुआ, पार्टी में मेरे सब फ्रेंड्स ने मुझे फोर्स किया सिगरेट लेने के लिए, मैंने भी ट्राई कर ली उस दिन हमारे घर में। क्या हुआ था, महाभारत हुई थी उस दिन हमारे घर में। ये शुरुआत होती है बच्चे को रिजेक्शन मिलने की, उसको पता नहीं है कि उसने क्या गलत किया है, उसको नहीं मालूम है, उसने शेयर किया था नॉर्मल आकर, हम डांटते गए रिजेक्ट करते गए, धीरे धीरे उन्होंने शेयर करना बंद कर दिया, हमने सोचा उन्होंने करना बंद कर दिया, उन्होंने सिर्फ करके बताना बंद कर दिया।
एंड ये बहुत रिस्की है. जैसे ही वो हमसे दूर होते हैं, वो और लोगों के नज़दीक हो जाते हैं जिनसे उन्हें एक्सेप्टेंस मिलता है. पहले छोटी छोटी बातें होती हैं, धीरे धीरे वो दोस्त उनको कुछ ऐसा करने के लिए कहते हैं जो वो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो अपने दोस्तों की एक्सेप्टेंस खोना नहीं चाहते हैं और इसीलिए वो कुछ कुछ ऐसा कर बैठते हैं सिर्फ क्योंकि पेरेंट्स से एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी. और फिर जब गलती हो जाती है, दर्द में भी चले जाते हैं, अपने पेरेंट को आके नहीं बता पाते हैं, फिर वो काउंसलर के पास जाते हैं. इसीलिए आज हर स्कूल में, शहरों में काउंसलर कंपल्सरी हो गया है. क्या ये अच्छी बात है कि हमारा बच्चा अपनी छोटी छोटी बातें लेकर, अभी जीवन की बातें कितनी है, ये छोटी छोटी बातें लेकर वो हमारे पास आने के बजाय एक प्रोफेशनल के पास जाए? इज इट गुड न्यूज फॉर आवर सोसाइटी? नहीं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ काउंसलर एंड अ पेरेंट? क्या फर्क है काउंसलर और पेरेंट के बीच? एंड सीक्रेट क्या है पता है? जो काउंसलर के बच्चे हैं वो उनके पास नहीं जाते हैं, वो दूसरे काउंसलर के पास जाते हैं. तो इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ काउंसलर प्रोफेशनली, इट्स अबाउट आप कौन सी एनर्जी रेडिएट करते हैं उस व्यक्ति को. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ काउंसलर एंड अ पेरेंट? पेरेंट गलती सब तो पेरेंट भी सुनते हैं, रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं सुनने के बाद? क्या एक इम्पोर्टेंट फर्क है एक काउंसलर और एक पेरेंट के बीच? अच्छा, पेरेंट इमोशनल होता है, काउंसलर इमोशनल नहीं होता. इसका सही वर्ड कौन सा है? भाव सही है, वर्ड चेक करें. हाँ, रैशनल नहीं. काउंसलर नॉन जजमेंटल होता है, काउंसलर की रिस्पेक्ट विड्रॉ नहीं होती है बच्चे की बात सुनने के बाद. पेरेंट क्रिटिकल और जजमेंटल हो जाता है. होता है या नहीं होता? अगर बच्चा काउंसलर के पास जाए और कहे मुझे सिगरेट पीने की आदत पड़ चुकी है, तो काउंसलर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? छोड़ दो. काउंसलर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? और अगर बच्चा पेरेंट को जाके कहे कि मुझे सिगरेट पीने की आदत पड़ गई है, दोनों में फर्क होगा? दोनों में फर्क होगा? एक पेरेंट के एंगल से बताओ, आप क्या बोलेंगे अगर आपको ये बात सुनने को मिल गई है? जी. सुना भाई साहब ने क्या कहा? क्या कहा? कि सबसे पहले तो एक कोई अपना दर्द लेकर हमारे पास आया, हमारा ही अपना बच्चा अपना दर्द, अपनी गलती लेकर हमारे पास आया, और हमने ऊपर से क्या कर दिया? हमने ऊपर से क्या कर दिया? दर्द को और दर्द दे दिया. वो दर्द लेकर आए थे दर्द को क्या करने के लिए? हीलिंग करने के लिए. हमने क्या कर दिया? दर्द को और दर्द दे दिया. हाथ भी शायद उठा दिया और ऊपर से क्या क्या बोला उसके बाद, ये तुमको सिखाया है, इसके लिए तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा किया, तुमने तो हमारे संस्कारों का नाम ही खराब कर दिया, ये डर डर लंबे बहुत बड़े बड़े डायलॉग होते उस टाइम. क्योंकि जितना रिएक्शन हो जाते हैं अंदर, तो वर्ड्स भी कैसे निकल के आते हैं, बहुत पावरफुल. काउंसलर क्या करेगा? काउंसलर क्या करेगा? काउंसलर करेगा, हो गया ना, कोई बात नहीं, बैठो, अभी देखते हैं आगे कैसे चलना है, फिनिश्ड. काउंसलर कहेगा, रिस्पेक्ट देगा, बिठाएगा, सोल्यूशन पे वर्क करेगा. पेरेंट क्या करेगा? जो हो चुका है उसको क्रिटिसाइज करेगा. जैसे ही हम ये करेंगे, हम बच्चे के दर्द को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे. जितना ज्यादा हम उसके दर्द को बढ़ा देंगे, उसकी एडिक्शन बढ़ जाएगी. हो जाएगा ऐसा या नहीं हो जाएगा? सिगरेट पीना बुरी बात?
अभी तो हमें पता ही नहीं, गलत तो कुछ होता ही नहीं है, तो फिर सिगरेट पीना भी क्या होगा? सिगरेट पीना गलत बात? यस, हानिकारक। 20 साल की एज में जब मेरे आसपास सब ले रहे हैं, मैं भी देखता हूँ, मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी होती है, फिर सब मेरा मजाक उड़ाते हैं अगर मैं नहीं लेता, और सब मुझे फोर्स करते हैं, तो ट्राई करने का मन करना, फिल इन द ब्लैंक, ट्राई करने का मन करना, थोड़ा सा जोर से बोलना, अंडरलाइन, भाई साहब ने कहा स्वाभाविक है। ये लाइन अगर उस दिन बच्चे को कह दी होती, ये स्वाभाविक है, उसको कहा ही नहीं ये बात। सिगरेट गलत या बच्चा गलत? सिगरेट गलत या बच्चा गलत? हमने उसको सिगरेट गलत नहीं बोला, हमने उसको बोला तुम गलत। हमें सिर्फ क्या कहना था, तुम्हें जो फील हुआ वो नेचुरल है, वो ऐसे आ जाता, और फिर हमने उसको धीरे से क्या कहना था, लेकिन सिगरेट गलत है, वो बात तो उसको पहले से पता है, उसको मालूम है। कितना डिफरेंस है कर्म गलत या आत्मा गलत? कर्म गलत या आत्मा गलत? आप वो वर्ग हैं जो सारा दिन उन लोगों से डील कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनके साथ डील कर रहे हैं सारा दिन, जिन्होंने सामाजिक स्तर पर कुछ ना कुछ गलत करके वो आए हैं, राइट? लेकिन वो गलती भी उनसे हो जाती है जो आत्मा थोड़ी सी कमजोर है। अगर हम ये याद रखें कि गलती उनसे हो गई है, लेकिन मुझे आत्मा को रिस्पेक्ट करके हीलिंग भी करनी है उसके। विदेश में, अमेरिका में एक स्टडी की गई, एक्सपेरिमेंट एक्चुअली, एक जेल में जितने लोग कैदी थे, जिधर जितने वो लोग वहां थे, जो लोग उनका ध्यान रखते थे, ठीक है, उस जेल में जो लोग उनका ध्यान रखते थे, उनको एक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया कि आपको इस जेल में रहने वाले सब लोगों को ऐसे ट्रीट करना है जैसे वो आपके मेहमान हैं। दिख रहा है फर्क? कि ट्रेनिंग दी जाती है, आपको इन लोगों को ऐसे ट्रीट करना है जैसे वो आपके मेहमान हैं। क्या रिजल्ट आई होगी? क्या रिजल्ट आई होगी? क्या रिजल्ट आई होगी? सोचो। क्योंकि क्या होता है, जब किसी से गलती हो जाती है, हम बड़े स्ट्रॉन्ग लेबल्स लगाते हैं उनके ऊपर। क्या लेबल लगाते हैं उनके ऊपर? क्रिमिनल। जैसे हमने क्रिमिनल लेबल लगा दिया, क्राइम किया है वो अलग, क्रिमिनल लेबल अलग, दो चीजों में फर्क। जैसे ही क्रिमिनल लेबल लगा दिया, अब हरेक की वाइब्रेशन कौन सी जाएगी? हरेक की वाइब्रेशन कौन सी जाएगी उनके प्रति? जब इतने सारे लोगों की वाइब्रेशन उस तरह की उस आत्मा के प्रति जाएगी, तो बैटरी बैटरी पहले से डाउन हो जाएगी। और अगर बैटरी पहले से डाउन हो गई, तो गलती करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए अब ये कॉन्सेप्ट है कि पनिशमेंट नहीं रेफॉर्मेशन, सजा नहीं परिवर्तन, परिवर्तन। और वो परिवर्तन तब होगा जब सामने वाले को सम्मान के नजरिए से देखा जाएगा। अगर जिनसे इतनी बड़ी गलती हो गई हो सामाजिक स्तर पर, उनको भी सम्मान की जरूरत है, तो हमारे आसपास के बीवी, बच्चे, कलीग्स को किस चीज की जरूरत है? किस चीज की जरूरत है? सिर्फ रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस। तो कर्म को आत्मा से अलग करना है। आत्मा, परमात्मा ने आज सुबह हमें क्या सिखाया, आत्मा कैसी है? आत्मा कैसी है? ओरिजिनली प्योर, ब्यूटीफुल। उससे एक गलती हो गई है, आत्मा से रिस्पेक्ट को विड्रॉ नहीं करना है। क्यों हर आत्मा के संस्कार अलग हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पक्का फिट करना है।
अब एक जर्नी को देखते हैं, ध्यान से देखना इस जर्नी को। मैं आत्मा इस शरीर में, ठीक है, आप आत्मा उस शरीर में, 50 साल आपके, 50 साल मेरे, इस कॉस्ट्यूम के अंदर क्या हम दो आत्माओं के जीवन के सीन्स और अनुभव एक जैसे हुए होंगे? एक जैसे हुए होंगे? नहीं? पक्का? पक्का। इसका मतलब आपकी 50 साल की रिकॉर्डिंग और मेरी 50 साल की रिकॉर्डिंग अलग अलग। बढ़िया। 50 साल पहले हम एक और शरीर में थे, 70-80 साल हमने उस शरीर में काटे, उस शरीर में आपकी रिकॉर्डिंग मेरी रिकॉर्डिंग अलग अलग। चलो बढ़िया। उससे पहले एक और शरीर में थे, उससे पहले एक और शरीर में थे, उससे पहले एक और शरीर में थे, ऐसे हमें शरीर लेते छोड़ते लेते छोड़ते 4-5 हजार साल हो चुके हैं। 4-5 हजार साल में हमने 70-80 जन्म ले लिए होंगे। 70-80 जन्म में हमारी रिकॉर्डिंग एक दूसरे से अलग। विजुअलाइज हो रहा है कितनी रिकॉर्डिंग होगी यहाँ पे? एक दिन में ही कितनी रिकॉर्डिंग हो जाती है? 70-80 जन्मों में यहाँ कितनी रिकॉर्डिंग हुई होगी? तो आत्मा को एक सीडी की तरह देखते हैं। 80 जन्म मेरे, 80 जन्म आपके, रिकॉर्डिंग गाने बिल्कुल अलग 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 अलग। राइट? राइट? अग्रीड? दो सीडी हैं जिनकी 5,000 साल की रिकॉर्डिंग बिल्कुल अलग है, और इन दो सीडीज की एक दिन शादी हो जाती है। हो जाती है ना? ऐसे ही तो होगा। और सडनली वो एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, तुम ऐसे कैसे हो? तुमको तो किसके जैसे होना चाहिए था? मेरे जैसे होना चाहिए था। यहां से शुरू होता है एक प्रोसेस, एक दूसरे की रिकॉर्डिंग को चेंज करने की कोशिश का। तुम मेरे जैसे बन जाओ, वो कहते हैं नहीं, तुम मेरे जैसे बन जाओ। 2-3 साल के बाद इनके घर एक तीसरी सीडी आती है, उसकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल और अलग, और ये दोनों उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं मेरा बच्चा। तो मेरे बच्चे की रिकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए? मेरी जैसी होनी चाहिए, या ब्लैंक सीडी आनी चाहिए, जो मैं चाहूं मैं उसके ऊपर रिकॉर्ड कर दूं। लेकिन वो आत्मा तो अपनी रिकॉर्डिंग इतनी सारी लेकर आई है। हमारी जीवन इतनी कॉन्फ्लिक्ट में क्यों है? हम इतना गुस्सा, इरिटेशन, टेंशन क्यों एक्सपीरियंस करते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हर आत्मा इतनी अलग अलग रिकॉर्डिंग लेकर आती है। हमने कहा मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा, मेरा सीनियर, मेरा कलीग कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। हमने एक चित्र बना लिया अपने अंदर, और फिर हमारे जीवन का लक्ष्य बन गया उनको अपने चित्र जैसा बनाने का सारा दिन। दो आत्माओं की सीडी बिल्कुल बिल्कुल अलग है और हमेशा अलग रहेगी। दोनों के गाने बिल्कुल अलग अलग बजेंगे जी। हम रीराइट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हम देखते हैं पहले रीराइट कैसे करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट है कि ऑलरेडी रिटन है, ऑलरेडी रिटन है। अब आपके पड़ोसी के घर गाने वो वाले बजने नहीं जो आपको चाहिए। अब आपके पास चॉइस है कि उनके गानों को सुन सुनकर परेशान होते रहे, या फिर उनके गानों को सुनने की एंजॉय द म्यूजिक। क्योंकि गाने तो वो ही बजने हैं, क्योंकि वो ही संस्कार रिकॉर्डेड है। जिसके पास जो संस्कार रिकॉर्डेड है वो उसके अलावा कुछ देख नहीं सकता। संस्कार एक लेंस की तरह है, संस्कार एक फिल्टर की तरह है, मुझे हर चीज उस लेंस के थ्रू ही दिखाई देगी। सपोज एक के अंदर संस्कार विश्वास करने का है। अब आप सब सारा दिन ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं तो आपके लिए विश्वास करना कभी कभी मुश्किल हो जाता होगा, क्योंकि सारा दिन धोखा देखा, चीटिंग देखी, क्राइम देखा, तो विश्वास करना बहुत मुश्किल होता होगा। तो वातावरण के कारण धीरे धीरे आपका कभी कभी डाउट करने का संस्कार बन जाता होगा। होता है ऐसा कभी?
राइट। अब आप घर गए, आपका जो पार्टनर है, वाइफ है या हस्बैंड है, वो इजीली विश्वास करते हैं हर एक के ऊपर। तो एक सीडी के अंदर ट्रस्ट करने का संस्कार, दूसरी सीडी के अंदर डाउट करने का संस्कार, ऐसा हो सकता है? एक सीडी के अंदर टाइम पर आने का संस्कार, एक सीडी के अंदर हर टाइम लेट पहुंचने का संस्कार, एक सीडी के अंदर हमेशा सच बोलने का संस्कार, एक सीडी के अंदर छोटी मोटी घुमा देने का संस्कार। है ये डिफरेंट गाने? है ये डिफरेंट गाने? राइट। अब जिसके अंदर विश्वास करने का संस्कार होगा, वो दूसरे को देखेगा और कहेगा, तुम हर एक पे शक कैसे कर सकते हो? वो सामने से मुड़ के कहेगा, मुझे समझ नहीं आता तुम सब पे विश्वास कैसे कर सकते हो? होगा ऐसा या नहीं होगा? इम्पोर्टेंट है, जिसके पास ट्रस्ट करने का संस्कार है वो डाउट कर नहीं सकता, और जिसके पास डाउट करने का संस्कार है उसके लिए ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। जिस दिन ये एक्सेप्ट कर लिया, जीवन के सब झगड़े और गुस्सा खत्म हो जाएगा। इजी? इजी? देखें अपने आसपास के सब लोगों को, जिनकी कोई आदत, कोई संस्कार, कोई काम करने का तरीका आपको इरिटेट करता है। दिख रहे? एक दिन लिस्ट बनाएंगे ना तो लंबी 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 निकलेगी। हमें तो सड़क पे चलते लोगों का गाड़ी चलाने का तरीका भी ठीक नहीं लगता। होता है या नहीं होता? ये इतनी फास्ट क्यों चला रहा है, ये इतनी स्लो क्यों चला रहा है, ये हॉर्न क्यों नहीं बजा रहा, इसने हॉर्न क्यों बजाया? हर एक गलत है, सही कौन चलाता है? सिर्फ क्योंकि मेरा संस्कार ही मुझे सही लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे व्हाइट कलर पहनना मेरे लिए सही है, लेकिन अगर मैंने छोटी सी गड़बड़ की, मुझे क्या कहना था, व्हाइट कलर मेरे लिए सही है, व्हाइट इज राइट फॉर मी, अगर मैंने फॉर मी हटा दिया और मैंने कहा व्हाइट इज राइट, और धीरे धीरे कहना शुरू कर दिया सिर्फ व्हाइट इज राइट, होता है यही हो रहा है हमारे साथ सारा दिन, फिर मैंने कहना शुरू करना है ब्लैक ग्रीन ब्लू इज ऑल रॉन्ग, व्हाट इज राइट फॉर मी, व्हाट इज राइट फॉर मी इज नॉट नेसेसरीली राइट फॉर एवरीवन। कुछ दिन पहले एक बहन मिली, सेंटर पे आई, उसका 5 साल का बेटा, कहती बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्राइट है, पता नहीं कैसे इतना इंटेलिजेंट है ये। मैंने कहा पास्ट जन्म का संस्कार लेकर आया कोई वो बच्चा? फिर कहती है इसको पानी से बहुत डर लगता है, कहती है मैं स्विमर हूँ, मैं हस्बैंड भी स्विमर है, एंड नेचुरली हम चाहते हैं कि हमारा बेटा भी स्विमर ही होना चाहिए, लेकिन ये तो पानी के नज़दीक भी नहीं जाता है, अगर इसको जबरदस्ती ले भी जाएं ये डर जाता है पानी के नज़दीक जाके। कहती पिछले संडे मैंने क्या किया, सुबह से इसको तैयार किया, आज स्विमिंग जाना है, आज स्विमिंग जाना है, वो भी मानने लगा, हाँ आज स्विमिंग जाना है जाना है। शाम को जब स्विमिंग पूल पहुंचे वो डर के भाग गया। कहती मेरे को इतना गुस्सा आया, पकड़ा, दो मारे और अंदर धक्का मार दिया कि सब लोग स्विमिंग कर सकते हैं, सब बच्चे करते हैं, तुम ही नहीं कर सकते सिर्फ। कहेंगे अजीब बच्चा है डरपोक, कहते हैं ऐसा या नहीं कहते? अजीब बच्चा है डरपोक, उसको क्रिटिसाइज भी कर देंगे, कभी कभी तो उसका मजाक भी उड़ा देंगे सारे, एंड कभी कभी तो और सीरियस बात हम क्या कर देंगे, अपनी बहन को देख वो कितनी स्मार्ट है, करते हैं कि नहीं हम ऐसा करते हैं, क्रिटिसाइज भी कर देते हैं, दूसरी आत्मा के साथ कंपेयर भी कर देते हैं, और ये दोनों चीजें करने के बाद हमने उस आत्मा की बैटरी को क्या किया, हमने उस आत्मा की बैटरी को क्या किया, और डिप्लीट कर दिया। वो दर्द में आए थे, हमने उनको और दर्द दे दिया। हमारा रोल क्या था, उनकी दर्द की हीलिंग करने का। अब हर आत्मा को देख लें जो आपके आसपास है,
हर एक यात्रा पर बहुत कुछ अनुभव करके आया है, बहुत कुछ देख कर आया है। किसी ने धोखा देखा, किसी ने दर्द देखा, किसी ने फेलियर देखा, किसी ने अप्रिसिएशन देखी, बहुत कुछ देख कर आया है हर एक। वो चाहे आज बच्चा नहीं है, आपका स्पाउस है, आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, वो सब कुछ देख कर आने के कारण उनकी रिकॉर्डिंग बहुत अलग है। हमें हर आत्मा की रिकॉर्डिंग को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, अंडरस्टैंड करना है कि इस आत्मा की जीवन की यात्रा में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से वो ऐसे हैं। फर्स्ट स्टेज एक्सेप्टेंस। जैसे ही एक्सेप्टेंस मिली, हमारी तरफ से रिस्पेक्ट रेडिएट होने लग जाएगी वहाँ पे। अब नया संस्कार कैसे क्रिएट करना है? जो संस्कार उस आत्मा के पास है वो तो है, लेकिन परमात्मा हमें बताते हैं हर आत्मा के पास ओरिजिनल संस्कार भी है। अब हमारा रोल क्या है, एज पेरेंट्स, एज स्पाउस, एज फ्रेंड्स, एज कोलीग्स, हमारा रोल क्या है? एक दूसरे को हेल्प करना ताकि जो संस्कार उसके पीछे चला गया है, उस संस्कार को हमें कहाँ लेकर आना है? आगे लेकर आना है। विच मीन्स, सपोज किसी के अंदर डर का संस्कार है, सपोज किसी के अंदर गुस्से का संस्कार है, अगर हम बार बार उसी संस्कार के बारे में चिंतन भी करते जाएंगे, बोलते भी जाएंगे, टोकते भी जाएंगे उनको, तो फिर वो वाला संस्कार क्या हो जाएगा? अगर किसी को बार बार बोलते रहो, बहुत गुस्से वाला है, जब देखो गुस्सा करता है, तो उसके गुस्से का संस्कार क्या हो जाएगा? वो गुस्से का संस्कार और पक्का हो जाएगा। सारा दिन में उस व्यक्ति ने 9 बार गुस्सा किया होगा, 2 बार उसने किसी सिचुएशन को बहुत पीसफुली क्रॉस किया होगा, कोई उस 2 बार के बारे में बात नहीं करता है, कोई नहीं कहता है आपने आज बहुत पीसफुली क्रॉस किया, इस बात को आज तो आपके अंदर बहुत धैर्यता थी, कितने प्यार से आपने क्रॉस कर लिया, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन हर एक 9 बार क्या बोलेगा? जब देखो तुम गुस्सा करते रहते हो। अब हमारा रोल क्या है? जिस संस्कार को हमें पीछे करना है, उस संस्कार का चिंतन और वर्णन करना क्या कर दे? बंद कर दे। और जिस संस्कार को हमें आगे लाना है, उस संस्कार का चिंतन और वर्णन करना बढ़ा दे, तो ऑटोमेटिकली वो संस्कार क्या होता जाएगा? वो आगे आता जाएगा। हमारा रोल है एक दूसरे के साथ एक दूसरे की विशेषताओं को बढ़ाना, एक दूसरे को उनके संस्कारों के साथ एक्सेप्ट करना, क्योंकि अब हमें नॉलेज मिली है कि आत्मा ने अपनी यात्रा पर बहुत सारी रिकॉर्डिंग कर ली है। जब ये नॉलेज मिल जाती है तो हर सीन, हर संस्कार को देखते हुए आत्मा कैसे रह सकती है स्टेबल, और फिर सिचुएशन को हैंडल भी करेगी, आत्मा के साथ काम भी करेगी, लेकिन करने का तरीका कैसा होगा? विद एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट। जितना हम औरों को एक्सेप्ट करते जाएंगे, रिस्पेक्ट देते जाएंगे, उतना हमारी खुशी क्या होती जाएगी, क्योंकि आत्मा जितनी सारा दिन स्टेबल रहेगी तो आत्मा की पावर क्या होती जाएगी? बढ़ती रहेगी। हर छोटी छोटी बात में रिएक्ट किया, रिजेक्ट किया, डिसरिस्पेक्ट किया, तो आत्मा की पावर क्या होती गई? घटती गई। हम सारी चीज़ें जो दूसरों से मांग रहे हैं, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, परमात्मा ने इक्वेशन बहुत क्लियर करके हमें बताया, मांगने से क्या कहते हैं, मांगने से, आपको देखो हम सारा दिन ऐसे खड़े हैं, प्यार से बात करो, मुझे रिस्पेक्ट दो,
मुझ पर विश्वास करो, ये ऐसे करना मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम मांग रहे हैं। और हम किन से मांग रहे हैं, हम मांग भी किससे रहे हैं, जो खुद कैसे खड़े हैं, जो खुद कैसे खड़े हैं। सपोज आप पूरा दिन बहुत मेहनत करके घर गए, आप थोड़ी सी टेंशन में, इतना कुछ किया, इतना कुछ देखा आज सारा दिन में, तो थोड़ा सा आपका व्यवहार इरिटेबल है, और आप अपनी वाइफ से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपसे कैसे बात करे, कैसे बात करे, प्यार से बात करे, समझे कि मैं क्या क्या देख कर आया हूँ आज सारा दिन, मुझे कितनी टेंशन है। तो हम उसके सामने कैसे खड़े हो गए, और वो क्या फील करती है, इनको क्या पता पूरे दिन मैंने कैसे हैंडल किया है आज, ये एक दिन घर पे रह के दो बच्चों को संभाल के तो दिखाए हैं, घर का सारा काम करके तो दिखाए, तो मुझे चाहिए कि ये घर आके मेरे से प्यार से बात करे। तो दोनों जने कैसे खड़े हो गए, दोनों जने ऐसे खड़े हो गए ना। जब घर में दोनों जने ऐसे खड़े हो जाएंगे, फिर सीन कैसा हो जाएगा। तो मांगना भी है तो किससे मांगना है, जिसका हाथ ऐसे हो, लेकिन जिसका ऐसे हो उसके सामने मांगेंगे, और मांगने पे भी नहीं मिलेगा तो फिर झगड़ा कभी कभी इस लेवल पर पहुंच जाता है कि गुस्से में कहते हैं शादी क्यों की, मैंने तो शादी ये की थी सोच के कि मुझे क्या मिलेगा, प्यार मिले। हम हर रिश्ते में इसलिए जाते हैं, सोचते हैं हमें मिलेगा। परमात्मा ने कहा ऐसे नहीं हाथ रखना, कैसे करना है, क्यों ऐसे करना है, उसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि जब ऐसे करते हैं तो सबसे पहले किसको मिलता है, जो चीज हम दूसरे को देते हैं तो सबसे पहले किसको मिलती है। लास्ट याद कीजिए, जब आपने गुस्सा किया था थोड़ा सा जोर से, सीन आता है याद में। अब आप गुस्सा कर रहे हैं, कोई आपकी डांट खा रहा था, आप डांट रहे थे, वो डांट खा रहा था, क्या लगता है किस पे ज्यादा असर हो रहा था, किसकी बैटरी ज्यादा डिप्लीट हो रही थी, जो डांट रहा था या जो डांट खा रहा था। जो डांट रहा था उसकी डिप्लीट हो रही थी, डिप्लीट तो उसकी होनी चाहिए थी जो डांट खा रहा था, जो डांट रहा था, जो साक्षी होकर सीन को देख रहे होते हैं ना, हम कहते हैं बेचारा कितनी डांट खा रहा है। एक्चुअली बेचारा कौन होता है उस टाइम पे, जो डांट खाने वाले होते हैं थोड़े दिन के बाद तो उनके ऊपर कोई असर भी नहीं होता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे, और कई बार तो एक स्टेज तक पहुंच जाते हैं, आप डांट रहे हैं वो अंदर मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, शुरू अब ये 5 मिनट ऐसा ही चलेगा। घर पे माँ भी बच्चों को बोलती है छोड़ देना, 5 मिनट ऐसे ही चलने वाला है अभी, तुम शांत रहो। करते हैं या नहीं करते है? मतलब जो रिसीवर है वो क्लोज्ड है, लेकिन जो ट्रांसमिटर है वो बच नहीं सकता उस वाइब्रेशन से। इसीलिए आप देखो आज हर बड़े बड़े हॉस्पिटल में एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होता है, वर्कर हेल्थ चेकअप नहीं होता है। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, समाज के कौन से वर्ग को लगी हुई है, जो डांटने वाला है, डांट खाने वाले वर्ग को नहीं लगी हुई है। इसका मतलब किस पर असर पड़ रहा है, जो डांटता है। ये प्रूफ कर देता है कि जो हम देंगे दूसरे को वो सबसे पहले किसको मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है। दूसरा ले ना ले उसकी चॉइस, मेरे पास चॉइस नहीं है। अब यही मैंने डांटने की बजाय क्षमा कर दिया, प्यार से बात कर दी, हमने कहा कोई बात नहीं, होता है, मेरे से भी हुआ था ऐसे। ये जो हमने प्यार और पेशेंस और रिस्पेक्ट दूसरे को दी, ये भी सबसे पहले किसको मिलेगा, ये भी सबसे पहले हमें ही मिलेगा। लॉ है, एनर्जी जो हम क्रिएट करेंगे, रेडिएट करेंगे,
सबसे पहले किसको मिलने वाली है? हमें, फिर हमारे से दूसरे को। तो अगर हमें शांति अनुभव करनी है, प्यार अनुभव करना है, खुशी अनुभव करनी है, उसका एक ही तरीका। क्या तरीका? उसको हर कर्म में, हर सब्जी में वो वाली शीशी डालते जानी है। ये नहीं हो सकता कि सारा दिन ऑफिस में गुस्सा भी किया, इरिटेट भी हुए, और रात को जाके सोचा शांति चाहिए, प्यार चाहिए। वो पॉसिबल नहीं। शाम को जाके वो ही अनुभव होने वाला है जो सारा दिन कमाया था। हम सारा दिन सिर्फ धन नहीं कमाते हैं, हम सारा दिन क्या कमाते हैं? एनर्जी कमाते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, शाम को जब घर पे एंटर होते हैं तो जो एनर्जी हमने सारा दिन कमाई थी, वही एनर्जी हम घर आके सबको देते हैं। तो प्यार चाहिए, हर एक कर्म में प्यार को यूज करें। शांति चाहिए, हर एक कर्म को शांति से क्रॉस करें। खुशी चाहिए, हर एक कर्म में स्टेबल रहे। कोई और हमारी मन की स्थिति को हिला नहीं सकता, टेंशन कोई सिचुएशन दिला नहीं सकती, गुस्सा कोई व्यक्ति दिला नहीं सकता। वो हमारी चॉइस होती है वे टू रिस्पॉन्ड। ये भी हमारी बिलीफ सिस्टम बन गई है, ऐसा हुआ ना इसलिए टेंशन हो गई। नहीं, ऐसा हुआ तो मैंने टेंशन क्रिएट करना चूज किया, मेरे पास एक और चॉइस थी। आपको लगता है वापस जाने के बाद गुस्सा यूज करे बिना काम हो सकते हैं? अपने अपने लाइफ को देखना है, गुस्सा यूज करे बिना काम हो सकते हैं? कौन कौन फील करता है कि हमारे काम हो जाएंगे सारे? गुस्से की जगह क्या यूज करना पड़ेगा? प्यार। और क्या यूज करना पड़ेगा? पेशेंस। और क्या यूज करना पड़ेगा? एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन। कि आत्मा दर्द देख कर आई है। एक चीज हमेशा ये पक्का करना, जिसने गुस्सा करना है वो इतने ब्यूटीफुल स्थान पर रहकर भी कर सकता है, और जिसने नहीं करना है वो बड़ी से बड़ी क्राइसिस में रहकर भी नहीं करेगा। ये आत्मा की चॉइस है। इसका वातावरण सिर्फ एक दो दिन तक ही प्रभाव डालता है। अगर आप दो दिन से ज्यादा यहाँ रहने लगे और यहाँ काम कारोबार करने लगे, तो ये वातावरण की शांति भी आपको गुस्सा करने से रोक नहीं सकती है। वातावरण का प्रभाव बहुत थोड़ा होता है, बाकी चॉइस किसकी होती है? बाकी हमारी होती है। तो कभी भी अपने आप को ये नहीं कहना, लेकिन मेरा तो प्रोफेशन ऐसा है, लेकिन मुझे तो ऐसे लोगों के साथ सारा दिन डील करना पड़ता है। ये कहने से हम अपने आप को अशांत रहने की परमिशन दे देते हैं। प्रोफेशन तो चेंज होगा नहीं, लेकिन खुशी गायब हो जाएगी। तो आज पक्का करें, इज इट पॉसिबल कि इसी प्रोफेशन में शांति और प्यार से भी चला जा सकता है? पॉसिबल? जितना शांति और प्यार के शस्त्र को यूज करेंगे, आत्मा की बैटरी क्या होती जाएगी? पावरफुल होती जाएगी। जितना आत्मा पावरफुल होती जाएगी, आपका एक एक शब्द पावरफुल हो जाएगा, आपका एक एक शब्द पावरफुल हो जाएगा। आपको मेहनत कम, रिजल्ट ज्यादा मिलेगी, क्योंकि आपके शब्दों से ज्यादा आपके वाइब्रेशंस काम करेंगे, आपके वाइब्रेशंस दूसरे तक पहुंचेंगे। तो क्या हम गुस्से के शस्त्र को यहाँ छोड़कर जा सकते हैं? ये व्रत होता है। समाज में एक वर्ग है जिसको कस्टमर केयर इंडस्ट्री कहते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कहते हैं, सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं। आपको भी फोन करते होंगे, लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, सर बैंक अकाउंट खोल लो, करते हैं ना? करते हैं। कई बार सामने वाला उनसे कैसे बात करता है वापस देखा होगा, अलग अलग। एयर होस्टेस से कई बार कैसे बात करते हैं, होटल में जाओ वेटर से कैसे बात करते हैं। कैसे भी सामने वाला बात करे,
ये ऊपर से क्या करते हैं, ऊपर से क्या करते हैं? अगर आपको फोन करे, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, और आप जोर से डांट दो, समझ में नहीं आता, मैं काम पूछा नहीं, कुछ नहीं, फोन उठाकर कर दिया बीच में, मैं मीटिंग में हूँ, इतना जोर जोर से आपने सुना दिया, वो प्यार से बोलेंगे, अच्छा सर थैंक यू, मैं 6 बजे करूँगा आपको शाम को। करते हैं या नहीं करते हैं? कैसे इतनी ट्रेनिंग मिली, कैसे कर पा रहे हैं इतनी इंसल्ट, कई बार अब्यूजिव लैंग्वेज, कई बार कोई दरवाजा मार देता है मुंह पे, कई बार कोई फोन काट देता है, इतनी इंसल्ट के बाद भी वो स्माइल करते हैं सामने से, करते हैं नहीं करते? हमारे बीच के लोग हैं वो भी, हमारे परिवार के सदस्य हो सकते हैं। क्या प्रोग्रामिंग है माइंड की? ये सारा खेल है प्रोग्रामिंग का। क्या प्रोग्रामिंग है माइंड की? अगर मैंने गुस्सा किया तो मेरी नौकरी गई, सिंपल। तो माइंड ने कह दिया है गुस्सा करना घर जाके वाइफ पे कर लेना, यहां नहीं कर सकते, राइट? तो वो पूरा दिन स्टेबल रहेंगे, घर जाते ही वो छोटी सी बात पर कर देंगे, क्योंकि उन्होंने घर के लिए प्रोग्रामिंग नहीं की है। वो प्रोग्रामिंग सिर्फ किसके लिए की है? यहाँ आज हम अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। उन्होंने प्रोग्रामिंग की, अगर गुस्सा किया, रिएक्ट किया, जॉब गई। हम प्रोग्रामिंग करते हैं, अगर गुस्सा किया, खुशी गई, सेहत गई, रिश्ते गए, नौकरी क्या चीज़ है उसके सामने, क्या चीज़ है? अगर वो एक नौकरी के लिए कर सकते हैं, अगर वो नौकरी के लिए कर सकते हैं, तो हम अपनी खुशी, सेहत और रिश्ते के लिए ये प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते? इट्स वेरी सिंपल, इट्स ऑल अ थॉट। उन्होंने अपने आप को कहा है हमें गुस्सा करना अलाउड नहीं है, हमने अपने आप को कहा है हमें गुस्सा करना अलाउड है, तो हम करते जाते हैं। और जितना हम अपने प्रोफेशन में ऊपर जाते जाते हैं, उतना हम कहते हैं गुस्सा करना तो और भी अलाउड है। तो हम ऊपर अचीव करते जाते हैं, लेकिन खुशी कम होती जाती है, सेहत कम होती जाती है। हमें सक्सेस भी चाहिए, लेकिन साथ साथ हैप्पीनेस, हेल्थ और रिलेशनशिप्स भी चाहिए। तो आज से कल सुबह तक, और यहां बड़ा वाला गुस्से की चेकिंग होगी नहीं, तो चेक करना छोटा सा गुस्सा भी अंदर से, छोटा सा भी थॉट अंदर से इरिटेट होने का, ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? इट्स ओके, ये उस आत्मा का संस्कार। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ऐसे एक्सेप्ट करते करते हैप्पीनेस क्या हो जाएगी? किसी पर भी और किसी सिचुएशन पर भी डिपेंडेंट नहीं होगी।